तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप लोग देख रहे हो शैडो शूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों हम लोग 6 मिथ्स के पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज यार जाके देख लो, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स ऐसे थे जो कि रिपीट हो रहे थे। दोस्तों आज के मिथ्स के पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिल्कुल भी मत स्किप करना। और हाँ दोस्तों, आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं। दोस्तों गेमिंग डॉन भाई बोले हैं कि ब्रो, अगर आप बीमा शक्ति टावर पे अपना नेट ऑफ करके कटुलिस्टिया के तरफ भागोगे, सर्फ लॉन्चर वाले गैराज के ऊपर नेट ऑन करके सर्फ लॉन्चर के करीब जाके उसको क्लिक करोगे, 10-15 सेकंड बाद आप वहां पे पहुंच जाओगे, और वो भी बिना डैमेज के। रियली दोस्तों, क्या आपको ये लगता है? चलिए यार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि आज का पहला मिथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, देख सकते हो मैं यहाँ पे अभी विमा शक्ति टावर के ऊपर हूँ, करने वाला हूँ अभी दोस्तों मैं अपना नेट को ऑफ। और चलिए देखते हैं, भागते हैं हमारे कटुलिस्टिया के गैराज के तरफ। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, मैं पहुंच चुका हूं कटुलिस्टिया के गैराज पर, कर चुका हूं अपना नेट को ऑन। तो चलिए देखते हैं क्या यहां पे हम जिंदा रह पाएंगे। क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा अभी? ओ भाई, देख सकते हो यार मैं बिल्कुल जिंदा हूं, और मेरा एक भी एचपी खत्म नहीं हुआ। बीमा शक्ति भाई कितना बड़ा टावर है, उसके ऊपर से मैं आ चुका हूँ कटुलिस्टिया तक, एक भी एचपी खत्म नहीं हुआ, और मैं देख सकते हो बिल्कुल जिंदा हूँ। तो ये मिथ बिल्कुल ही कन्फर्म था। सबसे अच्छा वीडियो बोले हैं कि आप कार के ऊपर ग्लू वॉल नहीं लगा सकते। तो दोस्तों क्या ये मिथ कन्फर्म्ड है? देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा दोस्त बैठ चुका है गाड़ी में, और मेरे सामने है गाड़ी, और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे ग्लू वॉल, और एक भी दोस्तों देख सकते हो मेरे ग्लू वॉल वेस्ट हो रहे हैं, बट एक भी ग्लू वॉल गाड़ी पे नहीं लग रही। तो दोस्तों ये मिथ बिल्कुल ही कन्फर्म था। तो वाइजेड गेमर्स भाई बोल रहे हैं कि भाई जब तुम फ्लैग वाला इमोट यूज करोगे, तुम्हारा बैकपैक गायब हो जाएगा कुछ सेकंड के लिए। तो चलिए यार इस मिथ को ट्राई करके देखते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो मेरे पास था लेवल 3 का बैग, बट जब मैं यूज कर रहा हूँ इमोट तो ये बैग बिल्कुल डिसअपीयर हो जा रहा है। हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। तो दोस्तों यहाँ पे एनोनिमस भाई बोले हैं कि अगर आप सरबोर्ड से किसी भी बिल्डिंग से जंप करोगे तो आपको डैमेज नहीं होगा। चलिए यार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं उतर रहा हूँ नीचे, और बहुत ही बढ़िया सिंपल से मैं नीचे आ गया, और एक भी डैमेज मुझे नहीं हुआ। तो हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आदित्य भाई बोले हैं कि अगर आप फैक्ट्री में सोकर नीचे गन स्विच करके जाते हो तो तुम्हारा हेल्थ कम नहीं होगा। तो चलिए यार इस मिथ को भी ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों आदित्य भाई ने तो हमको बिल्कुल मार ही डाला, नीचे डाउन कर दिया। तो दोस्तों ये मिथ बिल्कुल ही बस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पॉइजन भाई बोले हैं कि अगर आप किसी भी ब्रिज से नीचे कूदते हो तो आप नॉक हो जाओगे, बट अगर आप पानी में कूदते हो तो आपको एक भी डैमेज नहीं होगा। चलिए यार बहुत ही बढ़िया मिथ है, ट्राई करके देखते हैं। अभी मैं कूदने वाला हूँ मिट्टी में, तो चलिए यार, और चलो यार नीचे चलते हैं। और देख सकते हो मैं हो चुका हूँ यहाँ पे डाउन, और देखते हैं दोस्तों पानी में कूदने से क्या मैं जिंदा रह पाता हूँ। ओ भाई बिल्कुल ओपी, देख सकते हो एक भी हेल्थ नहीं घटा, और मैं आ चुका हूँ बिल्कुल पानी के अंदर। तो हाँ दोस्तों ये मिथ बिल्कुल ही कन्फर्म्ड है। दोस्तों यहाँ पे एनोनिमस भाई फिर से बोले कि आप पानी में ग्लू वॉल नहीं लगा सकते। तो दोस्तों क्या ये सच है? चलो यार ट्राई करके देखते हैं। मैं लगा रहा हूँ पहला ग्लू वॉल मिट्टी के ऊपर, और दूसरा लगाने वाला हूं मैं पानी के अंदर। तो चलिए यार ट्राई करके देखते हैं। मिट्टी के अंदर बहुत ही बढ़िया से ग्लू वॉल लग गया है, तो चलिए यार ट्राई करते हैं अभी पानी के अंदर। और देख सकते हो दोस्तों पानी में भी ग्लू वॉल लग चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये मिथ तो बिल्कुल ही बस्टेड था। और हाँ दोस्तों, हम लोग सभी होप करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगे, और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है हमारे वीडियोस तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। दोस्तों आज का लाइक टारगेट कुछ 99 रखे हैं इन 1 आवर, तो प्लीज़ यार सभी लोग लाइक करना जो लोग भी वीडियो देख रहे हो। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ कि बुराई चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो प्लीज़ यार एक लाइक अपने दिल से कर देना यार, प्लीज़।
प्लीज यार। तो चलिए यार, मिलता हूँ आपसे कल, टाटा बाय।